हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल स्वादिष्ट रेसिपी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आसान रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूं पनीर से बने हुए गुलाब जामुन की रेसिपी, जिसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं आप। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल मार्केट के जैसा बनेगा। तो आइए इसका इन्ग्रीडियंट्स हम लोग जान लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप पनीर, 1/2 कप मावा। ग्राम के हिसाब से नापे तो 200 ग्राम पनीर और 100 ग्राम मावा है। और मैंने इस टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी मैदा लिया है और थोड़ी सी कुटी हुई इलायची ली है यानी कार्डमम पाउडर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने इस कप के मेजरमेंट से मैंने पनीर और मावा लिया है। तो इसी कप के मेजरमेंट से मैं 1.5 कप चीनी लूँगी, जिसे मैं शुगर सिरप तैयार करूंगी। तो आइए इसके लिए पहले शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। मैंने एक गैस पर पैन रख दिया है। पैन में मैं ऐड कर दूंगी चीनी 1.5 कप यानी शुगर। ऐड करेंगे 1.5 कप पानी। पानी में ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमें गुलाब जामुन की जो चाशनी है वो हल्का चिपचिपा होना चाहिए। अब चाशनी तैयार हो रहा है, तब तक मैं एक तरफ गुलाब जामुन का जो है डो तैयार कर लूँगी। तो पनीर और मावा को हम एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा और इलायची पाउडर और इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बेकिंग सोडा। तो मैंने जो स्पून लिया है इसका 1/4 बेकिंग सोडा लिया है और मैं इसमें ये सोडा ऐड कर दूंगी। इससे जो हमारे गुलाब जामुन है बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और फूले फूले बनेंगे। तो इस तरह से मैंने बेकिंग सोडा को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। वाइए चाशनी चेक कर लेते हैं। इसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ इलायची। इलायची डालकर इसे अच्छे से स्टर कर देंगे। तो ये देखिए, चाशनी जो हमारा जो तैयार हो चुका है। चाशनी एक तार की नहीं होनी चाहिए, हल्की चिपचिपी होनी चाहिए, हल्की सी स्टिकी होनी चाहिए। अब हम लोग चाशनी तैयार हो गया है। मैंने चाशनी उतार दिया है। अब मैं गुलाब जामुन के बॉल्स निकालूंगी उसके डो से। तो ये देखिए, बिल्कुल एक साइज का पहले सारे बॉल्स हम लोग निकाल कर तैयार कर लेंगे। तो मैंने सारे बॉल्स जो है निकाल लिए हैं। अब मैं अपने पाम के हाथ हेल्प से मैं बॉल्स तैयार करूँगी। बिल्कुल क्रैक फ्री बॉल तैयार करना है, हल्का सा हथेली से दबाते हुए। अब ये देखिए, सारे बॉल्स जो हैं बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और मेरा जो ऑयल है परफेक्टली गर्म था। तो अब मैं एक एक कर इसमें गुलाब जामुन के बॉल्स डाल दूंगी। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें कंटिन्यूसली एक स्पैचुला की हेल्प से हल्के हाथों से इसे चलाना है और कंटिन्यूसली स्टर करते हुए हमें गुलाब जामुन को फ्राई करना है। नहीं तो ये इसका कलर जो है वो सही से नहीं आएगा, ठीक है, चारों तरफ से। तो ये देखिए, मैंने कंटिन्यूसली स्टर करते हुए चारों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लिया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी और बचे हुए गुलाब जामुन को भी सेम प्रोसेस से फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड्स, अब मैंने जो गुलाब जामुन को फ्राई करके निकाला था उसे मैं शुगर सिरप में ऐड कर दूंगी, क्योंकि गरम गरम गुलाब जामुन जो है फ्राई किया हुआ वो तुरंत शुगर सिरप में डालने पे वो चाशनी अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है। और एक और बात का ध्यान रखें कि चाशनी भी जो है, जो शुगर सिरप है, वो भी हल्की सी गुनगुनी होनी चाहिए, तभी ये अच्छे से गुलाब जामुन जो है चाशनी ऑब्जर्व कर पाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोबारा भी जो गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए डाला था वो भी अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है अच्छे से स्टर करते हुए। फ्रेंड्स, मैंने सारे गुलाब जामुन को है चाशनी में एंड शुगर सिरप में डाल दिया है। अब इसे ओवरनाइट के लिए इसी में रहने दूंगी ताकि गुलाब जामुन अच्छे से चाशनी ऑब्जर्व कर ले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ओवरनाइट के लिए मैंने सारे गुलाब जामुन को चाशनी में डालकर रख दिया था और ये देखिए कितना बढ़िया ये चाशनी ऑब्जर्व कर चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया जूसी हमारा गुलाब जामुन जो है बनकर तैयार हुआ है। और आइए मैं इसे दबा कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना जूसी और कितना स्पंजी बना है हमारा गुलाब जामुन। ये देखिए पूरा अंदर तक इसने अच्छे से शुगर सिरप को ऑब्जर्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से गुलाब जामुन अपने घर में बनाइए, खाइए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें
तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।